गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम्बिशियस वैदिक इंस्टीट्यूट। टुडे अनदर बायोलॉजिकल टॉपिक नेम इज दैट मींस प्लास्टिड। लास्ट वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े, उसी तरह सेम लाइक दैट प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो प्लास्टिड के बारे में अगर हमको देखना उसमें से, तो प्लास्टिड जनरली फाउंड इन अल्गी, प्लांट सेल एंड सर्टन प्रोटिस्टा। अल्गी अपने को मालूम है, अल्गी प्लांट्स ग्रो इन वाटर, प्लांट सेल। और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उसको बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। प्लास्टिड भी सेल ऑर्गेनल्स है, ये भी फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में मिलता है। देन प्लास्टिक के देर आर जनरली थ्री टाइप्स होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। नंबर वन लिखेंगे हम यहां पे ल्यूकोप्लास्ट। पहला, अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखेंगे तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस, उसमें कोई भी प्रकार की पिगमेंट्स नहीं होता है। उसका मेन फंक्शंस होता है, ये स्टोरेज करता है स्टार्च सब्सटेंस को सिर्फ। तो ये सिर्फ कलरलेस है, कलरलेस होने की वजह से ये कोई भी फूड प्रिपरेशन में यूज नहीं होता है। दे आर ओनली स्टार्च मटेरियल को ये स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर हम उसका सेकंड टाइप अगर देखेंगे प्लास्टिक का, तो नाम है उसका क्रोमोप्लास्ट। इस क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप प्लास्टिक का, इसमें मीनिंग है क्रोमो मींस कलर और प्लास्टिक मींस एक प्रकार का पिगमेंट है। तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में ऑल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते, सभी कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते। सिर्फ इसमें क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन कलर मींस क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के, क्लोरोप्लास्ट जिसका कलर होता है ग्रीन, ये पिगमेंट छोड़ के ऑल दिस पिगमेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट लाइक दैट। उसमें अगर हम क्रोमोप्लास्ट में अगर हम देखेंगे उसमें से, तो उसमें कलर देखेंगे उसमें से येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सब कलर के पिगमेंट्स इस क्रोमोप्लास्ट में फाउंड होते। ये क्रोमोप्लास्ट जनरली फाउंड इन कलर्ड ऑर्गन में मिलते अपने को, कलर्ड ऑर्गन्स लाइक फ्लावर, इसमें लिखेंगे हम फ्लावर्स एंड फ्रूट में जनरली इस प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। हम प्लास्टिड का थर्ड टाइप अगर हमको देखना है, तो प्लास्टिड का थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल ये पिगमेंट प्रेजेंस होता है, जिस क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, जिसके वजह से इस क्लोरोफिल के वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिस फोटोसिंथेसिस से प्लांट खुद का फूड प्रिपेयर्ड करने में हेल्प होता है इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ये क्लोरोप्लास्ट का अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे ऐसा, तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लीफ, लीफ में प्रेजेंस होता है। हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम
फोटोसिंथेसिस जो हमारा नेक्स्ट हेडलाइन रहेगी उसमें से लेसन्स, उस लेसन में हम फोटोसिंथेसिस में हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल में स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने वाले। सिर्फ इस प्लास्टिक में ओनली हम 3 टाइप मेंशन करने वाले उसका, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके वजह से हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे, उसका डिटेल में स्ट्रक्चर हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। फिलहाल में इस टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ हम बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसका कलर ग्रीन होता है और ये क्लोरोफिल्स आर इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके वजह से प्लांट प्रिपेयर ऑन देयर फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये इस प्रकार का ये प्लास्टिक ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। बाकी का दूसरा जो अगर हम बोलते उसमें से सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।